तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ टोबीत का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 9 से 14। टोबीत किसी दिन दफनाने के काम से थका मांदा घर लौटा और आंगन की दीवार के पास लेटकर सो गया। सोते समय अबाबील के घोंसले से उसकी आंखों पर गरम बीट गिर गई जिससे वह अंधा हो गया। ईश्वर ने टोबीत पर यह विपत्ति आने दी जिससे वह योब की तरह अगली पीढ़ियों के लिए धैर्य का आदर्श हो। टोबीत ईश्वर पर श्रद्धा रखते हुए बचपन से ही उसकी आज्ञाओं का पालन करता आ रहा था और अब अंधा हो गया था, तब भी वह ईश्वर के विरुद्ध नहीं भुनभुनाता था। वह अटल विश्वास से ईश्वर पर श्रद्धा रखकर प्रतिदिन उसका धन्यवाद करता था। जिस प्रकार कुलपतियों ने धन्य योब का अपमान किया था, उसी प्रकार टोबीत के संबंधी और परिचित उसकी जीवनचर्या के कारण ये कहते हुए उसका उपहास करते थे, जिसके लिए आप भिक्षा दान करते और मुर्दों को दफनाते थे वह आशा व्यर्थ ही है। किंतु टोबीत उन्हें डांटकर ये उत्तर देता था, ऐसा मत कहिए, हम तो संतों की संतति हैं और उस जीवन की प्रतीक्षा करते हैं जिसे ईश्वर उन लोगों को प्रदान करेगा जो उसके प्रति ईमानदार रहते हैं। टोबीत की पत्नी अन्ना प्रतिदिन बुनाई करने जाती थी और अपने हाथों की कमाई से जो खाद्य मिल सकता था घर ले आया करती थी। किसी दिन उसे बकरी का बच्चा मिला और वह उसे घर ले आई, किंतु टोबीत ने उसका मिमियाना सुनकर कहा, खबरदार, हो सकता है कि ये कहीं से चुराया गया हो, इसे इसके मालिक को लौटा दो, क्योंकि हम ना तो चुराया हुआ माल खा सकते और ना रख सकते हैं। इस पर उसकी पत्नी ने क्रोध होकर उत्तर दिया, अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि तुम्हारी आशा व्यर्थ ही थी और तुम्हारे भिक्षादान से कोई लाभ नहीं। और वह उसी प्रकार टोबीत को फटकारा करती थी। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले का मन दृढ़ रहता है। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले का मन दृढ़ रहता है। धन्य है वह जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा। प्रभु की आशीष धर्मियों की संतति पर बनी रहती है। अनुवाक्य। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले का मन दृढ़ रहता है। वह विपत्ति के समाचार से नहीं डरता, उसका मन दृढ़ रहता है। वह ईश्वर पर भरोसा रखता है, वह ना तो घबराता और ना डरता है। वह अपने शत्रुओं पर विजयी होगा। अनुवाक्य। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले का मन दृढ़ रहता है। वह उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान देता है, उसकी न्यायप्रियता सदा बनी रहती है, उसकी शक्ति तथा ख्याति बढ़ती जाएगी। अनुवाक्य। ईश्वर पर भरोसा रखने वाले का मन
दृढ़ रहता है। जय घोष, अलेलुया। अनुवाक्य, अलेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करें, जिससे आप ये देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण हमारी आशा कितनी महान है। अनुवाक्य, अलेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मार्कुस के अनुसार, अध्याय 12 पद संख्या 13-17। उन्होंने कुछ फरीसियों और हेरोदियों को यीशु के पास भेजा, जिससे वे उन्हें उनकी अपनी बात के फंदे में फंसाएं। वे आकर उनसे बोले, गुरुवर, हम ये जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। आप मुंह देखी बात नहीं करते, बल्कि सच्चाई से ईश्वर के मार्ग सिखलाते हैं। कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दें या नहीं दें? उनकी दूतरता बांप कर यीशु ने कहा, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? एक दिनार लाकर मुझे दिखलाओ। वे एक दिनार लाए और यीशु ने उनसे पूछा, ये किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है उसे कैसर को दो, जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे बड़े अचंभे में पड़ गए। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।